वेलकम टू सी टेक वायरल। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे फ्लटर ऐप प्लगइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लटर वेब पर। तो यार हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने कुछ देखा है तो उस तरीके से करते हैं यूज़। तो उसके लिए हमें कुछ चाहिए फ्लटर ऐप जो हम ऑलरेडी बना के रखे हैं। यहाँ पर वही वाला है जो मैंने गिटहब पर कोड दिया आपको ऑलरेडी, वही वाला कोड हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लाइडर बनाएंगे। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे हम लोग PHP, MySQL और फ्लटर वेब, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे पॉपटार्ट, उसके बाद पहले तो हम लोग देख लेते हैं फ्लटर और फ्लटर वेब में क्या क्या है। जैसे फ्लटर है, फ्लटर वेब वेब का ये, तो वेब में हम जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ भी, जैसे कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ऐसे स्लाइडर, तो यहाँ पर कोई स्लाइडर नहीं है। डीसी वेब डी कॉम्पोनेंट, यहाँ पर कोई भी ये नहीं है स्लाइडर। तो हम ये बात करते हैं इस पर क्या नाम है फ्लटर पर। तो फ्लटर में कैजुअल स्लाइडर है तो इसको यूज़ करेंगे हम लोग ये वाला। तो इसे यूज़ करते हैं हम लोग अपने फ्लटर ऐप पर, सॉरी फ्लटर वेब पर। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्जन चेक करें 1.3.0। अगर आपको पुराना वर्जन चाहिए होगा तो पुराने पर जा सकते हैं आप। फिर उसके बाद जाएंगे रिपोजिटरी, उसके बाद इसके अंदर जाके लाइव होगा फोल्डर, उसके अंदर जाएंगे, उसके बाद कैजुअल स्लाइडर, उसके बाद हम इसे कॉपी कर लेंगे पूरा। अब यहाँ पर हम लोग का सिंपल कोड है फ्लटर वेब का, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे प्लगइन। अब इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग slider.add, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पर यहाँ पर एक सब एरर आएगा इसलिए क्योंकि ये फ्लटर वेब नहीं लेता है, फ्लटर वेब लेता है फ्लटर नहीं लेता है। तो ये पूरा एरर आएगा, अभी भी एनालाइजिंग हो रहा है इसलिए अभी शो नहीं कर रहा है, आने दो तब तक फिर दिखाते हैं आपको। बस इसका इतना ही काम है। और एक चीज़ में कि जैसे कि ये सिंपल चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सब प्लगइन को यूज़ नहीं कर सकते इसमें हम लोग, क्योंकि कोई में इम्प्लीमेंटेशन अंदर में जाकर कोई ये बनता है डेटा बनता है, SQL जैसे लाइट यूज़ करते हैं उसके अंदर एक डेटा बनता है फोल्डर लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसमें नहीं कर सकते, वो सब चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जो डिज़ाइन हो इस ये सब चीज़ हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यार अभी तक एनालाइजिंग हो रहा है इसलिए शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए मेन डॉट डार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं इम्पोर्ट फ्लटर वेब मटेरियल, और यहाँ पर इम्पोर्ट फ्लटर है डायरेक्ट, तो इसलिए वो लेगा नहीं इस चीज़ को। देखो एरर आ गया ना, तो यहाँ पर हम लोग को इस वजह से ये चीज़ यूज़ करना होगा फ्लटर वेब, जो एकदम सिंपल है। फ्लटर वेब कॉपी करो यार इसे और उसके बाद इसमें डालो, अब सब एरर हट जाएगा। स्टेटफुल विजिट पूरा यूज़ हो रहा है, स्टेटफुल विजिट लिस्ट यूज़ कर रहा है वो कोड है। तो अभी से हम इम्पोर्ट कर देंगे लाइब्रेरी को, ये तो चाहिए नहीं, तो इसे हम इम्पोर्ट करते हैं यहाँ पर। तो इसे यूज़ कैसे करते हैं वो तो एकदम सिंपल है। पहले तो मैं टेक्स्ट है, हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यही चीज़। पहले तो रुकिए मैं आपको इसे रन करके दिखा दूँ कि ये कैसा आ रहा है अभी, ठीक है। इसको सेव कर ले, थोड़ा एनालाइजिंग हो रहा है इसलिए थोड़ा लेट काम कर रहा है।
तो कोई नहीं होता है यार। F5 प्रेस किया, ये लॉन्चिंग स्टार्ट हो गया इसका। तो जब तक लॉन्च होता है तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो फाइनली ये लॉन्च हो चुका है टोटली। उसके बाद हम इसे प्रेस करेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो सब कुछ सही है। तो अब यहाँ पर हम जाते हैं, हम लोग इसे यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर ये चीज़ सही हो गया, अपने आप पूरा एनालाइज हो गया, एरर आ गया सब, तो सब कुछ सही है ये। अब यहाँ पर पहले हम जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद हम जाते हैं इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कैसे यूज़ हो रहा है अभी, मतलब आपको अगर फ्लटर ऐप यूज़ करें आप तो आपको पता ही होगा प्लगइन कैसे यूज़ होती है, वरना मैं तो यहाँ पर आपको बता ही दिया कि कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्लटर वेब पर। तो इसे हम इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट सिंपल तरीके से कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। इम्पोर्ट PLU GIN/ Child builder context, सब कुछ सही तो लग रहा है यार। तो मैं जब तक वीडियो पॉज कर देता हूँ यार, ये जितना लोडिंग ले रहा है लेने दो, अभी एनालाइजिंग बहुत लंबा ले रहा है ये। तो यार ये हो ही गया पूरा टोटल। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव हो रहा है, हार्ट बीट चल रही है इसकी, तो आएगा तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता। ये तो यार एरर आ गया, तो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा हम करते हैं, वो एरर आया इसलिए कि हमने डायरेक्टली उसको ये सब कर दिया ना, तो इसलिए। तो दोबारा क्लोज करके स्टार्ट करते तो सही होता। तो यार फाइनली ये लॉन्च पूरा हो गया। तो आप देख सकते हो ये फुल स्लाइडर है, जैसा हम लोग के ऐप में होता है, स्क्रॉल करने से रुक जा रहा है। है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे PHP, MySQL और Flutter वेब पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वेट वेट, पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताया नहीं, ये जो है यहाँ से जैसे हम लोग कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं दूसरे जगह से इंपोर्ट करते हैं, सेम उसी तरीके से इंपोर्ट हुआ है। उसके बाद सिर्फ ये डिज़ाइन इंपोर्ट कर सकता है बस। और ये कंटेनर जो है विथ हाइट मार्जिन सब इसी ने दिया, और यहीं से कलर डिफाइन हुआ है, एम्बर येलो कलर होता है। और टेक्स्ट जो है 1, 2, 3, 4 चल रहा है, वो ऑटो इंक्रीमेंट चल रहा है। यहाँ पर लिस्ट व्यू में ये आइटम दे चुका है, यहाँ पर मैप कर रहा है, उसके बाद बिल्डर से बिल्ड कर दिया डायरेक्टली। तो बस इतना ही यार समझा दिया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।